तुम्हारे नाक पे क्या हुआ है? ब्लैक डॉट? मेरी मम्मी का सेम उसी जगह पे है, वैसा ही। तो बोला ही नहीं, चली करो। बोला ना। हैप्पी दशहरा तो ऑल ऑफ यू। आप आ जाओ फिर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चाहा सुशांतो ब्लॉग्स। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है दशहरा, आप सबको बहुत बहुत बधाई, दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज ये ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज कौन दिन? शनिवार है। आज है शनिवार। तो बस आज सुशांतो जी आपको दिख रहे हैं मेरे ब्लॉग में, ऐसे तो दिखते नहीं है दो तीन ब्लॉग में, तो आज ये आपको पूरे ब्लॉग में पूरे दिन दिखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और अभी हम खा रहे हैं चाय, नहीं खारी, और चाय का हम लोग का नाश्ता हो रहा है। और तुम तो कुछ बोल रहे हो? हम लोग सुबह कहाँ गए थे? हम दौड़ दौड़ के बाद वॉकिंग करके आए, मेरा वीडियो नहीं लिया क्योंकि हम फोन लेके नहीं गए थे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत जल्द। हेलो हेलो, चाय पियो ना। तो हम यहाँ पे पनीर चिल्ली बनाने वाले थे और रोटी बन रही थी, तो यहाँ पे पनीर चिल्ली का सारा आइटम हम कट के रेडी किए थे और फटाफट से रोटी बना रहे हैं क्योंकि कैमरा का थोड़ा जो स्पीड है वो फास्ट किए हम वीडियो का। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट रोटी बनाए हम। सुशांत नहाने गया था और हम लोग को खा करके निकलना था करवा चौथ के लिए साड़ी लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि पूजा पे हम चढ़ाते हैं ना साड़ी वगैरह, तो वो साड़ी चढ़ाने के लिए तो पूजा का जो भी करवा चौथ का है वो थोड़ा बहुत शॉपिंग हम स्टार्ट किए हैं और ज़्यादा भी नहीं कि करना है शॉपिंग, बट हाँ पूजा का सामान और बहुत कुछ थोड़ा बहुत लेना है। तो इस बार हम सुशांत के साथ हैं तो सोचे क्यों ना अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए हमारा खुद का फर्स्ट करवा चौथ। ठीक है, जो कि हम लोग साथ में इस बार हैं। तो यहाँ पे फटाफट घूम घूम के हम रोटी बस बना रहे थे और उसके बाद ये पूरा किचन की क्लीनिंग, आपको पता है सारे व्लॉग में आप देखते हो, ये सारा जो भी क्लीनिंग मैं करती हूँ मुझे बिना क्लीनिंग किए, मतलब बस मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मेरा रोज का है ये चीज़। ठीक है ना, बहुत से लोग आते हैं कि मतलब कभी कभी करते हैं बट मेरा रोज का ही है, सच बताया तो बहुत लोग ऐसा करते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो यहाँ पे सारा क्लीनिंग हो गया था और ये आप देखो जो भी है मैं पनीर चिल्ली बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से ये जो भी है सारा कुछ मैं भूज रही हूँ, शिमला मिर्च प्याज वगैरह। और यहाँ पे हम जो भी है, सुशांत नहा के आ गया है और ये बगल का यथार्थ है जो आता है घूम घूम के मिलने के लिए हम लोग से, तो वो मिल के गया अभी। और यहाँ पे ये बैठा है और बैठ करके नहा के आया है टी शर्ट्स वगैरह पहन के और अपना चश्मा वगैरह पोछ रहा है, क्योंकि नहाने के बाद सुशांत का चश्मा थोड़ा बहुत पानी लगता है तो उसको बस पोछना होता है, तो बैठ के आराम से पोछ रहा है। और यहाँ पर आप देखो सुशांत ने मेरे सर में बहुत सारा तेल लगाया था और मैं भी उसके सर में बहुत सारा तेल लगाई थी। तो यहाँ पे सुशांत तो नहा लिया बट मेरे को नहाना था, तो मैं नहावा के यहाँ पे आप देखो आई मैं, उसके बाद मैं पूजा की और पूजा करने के बाद यहाँ पे खाने के लिए बैठे हम लोग। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रेडी वेडी हो गए थे, आई थिंक 4:30 या 5 बज रहे थे। तो सिंपल सा कोई मेकअप नहीं है, बस लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी ही काफ़ी है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग दोनों रेडी हो गए क्योंकि थोड़ा दूर में आई थिंक 10 किलोमीटर के पास में एक शॉप है, तो जान पहचान है हमारी वहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, तो वहाँ पे हम लोग ही निकले हैं, मतलब सुशांत का जान पहचान है वहाँ पे, तो इस वजह से। और बहुत अच्छे हैं वो दुकान वाले जो भैया हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी है बाइक वगैरह से, सुशांत टी शर्ट और वो जीन्स डाला था, मैं भी सिंपल सा कुर्ती डाली थी। और यहाँ पे तेल वगैरह डलवाने आए थे और बहुत धूप थी, मतलब बहुत क्या, बहुत गंदा वाला धूप था। आप देखो ना, पहले इतनी ज़्यादा धूप थी कि पूछो मत। ठीक है ना, मतलब बहुत गर्मी जैसी हो रही थी, बहुत गर्मी, और ऊपर से ब्लैक पहने थे हम तो मुझे और ही गर्मी लग रही थी। और ये आप देखो, पहले कुछ देर पहले ना थोड़ी बारिश हो रही थी, पता है आपको, फिर देखो कितनी कड़ी धूप निकली है। तो यहाँ पे सुशांत तेल डलवाया गाड़ी में और यहाँ पे हम
बस तो मेरा मुंह ही जल रहा था देखो ना। तो यहाँ पे तेल वेल डलवा करके और पास में ही जो भी मतलब 10 किलोमीटर के अंदर में एक शॉप है माँ कॉम्प्लेक्स करके, सॉरी क्या नाम है उसका, माँ लक्ष्मी टेक्सटाइल करके कुछ तो दुकान का नाम है, हाँ तो वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पे पिछले बार भी मैं साड़ी ली थी अपने भाई के जो रिसेप्शन के लिए, तो वो भी साड़ी की बहुत तारीफ हुई थी, उसकी ब्लाउज भी मैं बहुत खूबसूरत सा बनवाई थी। तो फिर से मैं उसी शॉप में जा रही हूँ, मुझे थोड़ा डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाता है, इस वजह से जान पहचान अच्छी है थोड़ी और वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे हम दोनों को ही, ठीक है। हम लोग एक्चुअली आई थिंक 6 महीने के बाद शॉप पे जा रहे हैं और अभी तक हम लोग बस रास्ते में ही है। मैं आपको बताई ना कि यहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो बस थोड़ा बहुत मैं व्यू ऐसे ही ले रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से जो बादल वगैरह दिख रहा था और थोड़ा सा व्यू, तो मैं सोची थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव का वीडियो शूट किया जाए और आपसे बातें हो जाएगी। तो हम यहाँ पे करवा चौथ के लिए साड़ी लेने जा रहे हैं और क्या बोलते हैं मतलब जो भगवान को चढ़ते हैं ना, उसके बाद फिर सुशांत की तरफ से जो भी होगा मेरे लिए थोड़ा गिफ्ट भी हो जाएगा। तो सुशांत बोला कि उससे पूजा भी हो जाएगी और वो गिफ्ट भी हो जाएगा हमारा, तो मतलब उस इसी वजह से तो सुशांत बोला चलो चल के ले लो। और हम लोग इसलिए अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं क्योंकि संडे को आप सबको पता है करवा चौथ है, तो बस मैं बोली ठीक है चल के ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी 2-3 जगह और जाना है कुछ कुछ सामान लेने के लिए, तो उसका भी ब्लॉग मेरे चैनल पे आएगा। अभी ये जो भी है शॉपिंग का फर्स्ट ब्लॉग ही जा रहा है जो कि होने वाला है सबसे पहले साड़ी का शॉपिंग। तो यहाँ पे बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, यहाँ पे आप देखो ये है दुकान जो कि बहुत ही अच्छा शॉप है और बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा थोड़ा बना हुआ है आप देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये है देखो आप महालक्ष्मी टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैंक भी है, तो सुशांत का वो जो बैठे हैं वहाँ पे और जो भी इसी के मतलब अंडर में था वो बैंक आई थिंक, तो वहाँ पे ये अपना बात कर रहा है अपना जो भी है स्टाफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस जा रहे थे और यहाँ पे अंदर गए और अंदर जा कर के यहाँ से ऊपर आपको जाना होता है अगर आप भी यहाँ जो भी मतलब क्या ही बताएं मतलब यहाँ पे तो खैर मतलब अच्छा शॉप है। जो भी मेरा वीडियो जो जान पहचान के लोग देख रहे हैं तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट में अच्छा सा मिल जाता है, हाँ हमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट में मिल जाता है क्योंकि हमारी जान पहचान है थोड़ी सी इसी वजह से। तो यहाँ पे ऊपर में जाना होता है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और स्लीपर वगैरह बाहर में ही खोलना होता है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और यहाँ से ये सेकंड फ्लोर पे हम आ गए, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर है ये, हाँ फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आ गए। तो यहाँ पे आप देखो पूरा इस तरीके से पहला आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन लेना है कैसे लेना है क्या है, नहीं कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब जब पहली बार मैं गई थी ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब यार मुझे पसंद भी आएगा, सच कहें तो अच्छे से अच्छा दुकान मैं ढूंढ ली थी और मेरे को पसंद नहीं आया था लास्ट में, मतलब 3-4 दुकान खोजने के बाद मैं यहाँ पर आई थी। और क्योंकि सुशांति हमको बोला था कि मतलब चलो एक बार वहाँ पे चल के देखेंगे, मेरा जान पहचान है वहाँ पे, तो देखते हैं नया शॉप ही खुला है कैसा है नहीं है। तो मैं यहाँ पे आने के चक्कर में नहीं थी कि मतलब कैसा होगा नहीं होगा, बट फिर मैं सुशांत के कहने पे मैं भाई की रिसेप्शन के लिए मैं यहाँ पे आई थी अपना जो भी है साड़ी वगैरह लेने के लिए, तो बट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था और मैं अपने भाई की बीवी के लिए भी साड़ी यहीं से मतलब ली थी तो बहुत अच्छा लगा था। और जब साड़ी का कलेक्शन आप यहाँ पे देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ना आपको रखा रहता है तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो भैया दिखाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपको हर तरीके का हर मतलब हर रेंज हर रेट का आपको मिलता है साड़ी, हर तरीके का मिलता है और हर जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बस मैं बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे को बस 10-12 साड़ी देखा ना तो ही मेरे को पसंद आ जाती है, मतलब कलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। तो यहाँ पे हम जो भी साड़ी वगैरह ले चुके थे और लेकर के वापस निकल चुके हैं, और कौन सी साड़ी मैं ली हुई ये आपको मैं करवा चौथ वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे और निकल करके मैं और सुशांत दोनों वापस आ गए थे। हाँ साड़ी का पेटीकोट मुझे सिमर में लेना था क्योंकि मैंने साड़ी जो लिया है आई थिंक जॉर्जेट नेट है, तो उसके लिए सिमर सा कपड़ा चाहिए था पेटीकोट के लिए जो कि उनके पास नहीं था, तो वो भैया बोले कि कोई भी शॉप में मैचिंग का आपको मैचिंग सेंटर में मिल जाएगा, तो हम लोग वही खोज रहे थे लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया दुकान,
तो फिर हम वापस आए और यहाँ पे आप देखो ये धूम धड़ाका हो रहा है क्योंकि आज है दशहरा का विसर्जन और यहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही है जो कि मेरे घर के बगल में ही है। तो हम यहाँ पे रुके नहीं, एक आध मिनट रुक के देख रहे थे क्या है नहीं है। तो बहुत ज्यादा शोर हो रही थी, बहुत शोर हो रही थी। तो फिर हम यहाँ से वापस चले गए घर पे, तो ताकि जो भी जान पहचान के लोग हैं अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं यहाँ पे लेने के लिए, अच्छे डिस्काउंट में आपको मिल जाता है साड़ी। तो यहाँ पे हम निकल गए थे और